जय हिंद। मैं हूं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी का मतलब ही होता है समाजवादी एग्जैक्टली होना, समाजवाद यानी समाज के साथ उसके दुख सुख में साथ रहना। ये ऐसे ही इंसान हैं। इन्होंने अपनी स्टडी जहाँ से की लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वहाँ के छात्र संघ के नेता भी रह चुके हैं। अखिलेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय यूथ विंग के सचिव भी रह चुके हैं। तरबगंज से जो 2299 विधानसभा है उससे ये प्रत्याशी पद के लिए अपना नाम पेश कर चुके हैं, उम्मीदवार भी हैं और बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां भी हो रही हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किस तरह से समाज सेवा की है और समाजवादी के साथ जो एसोसिएट हुए हैं उसमें क्या इनका योगदान रहा है, कैसे इनकी स्ट्रेटजी बनेगी और किस तरह से इलेक्शन विन करेंगे, और भी बहुत सारे सवाल हम इनके साथ करेंगे। नाम है विजय कुमार उर्फ टिंटू सिंह। आइए हम मिलते हैं इनसे। जी टिंटू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप छात्र संघ के नेता भी रह चुके हैं, तो मतलब राजनीतिक पूरी तरह से हैं आप। पॉलिटिक्स किस तरह से की जाती है शायद ही आपको, क्योंकि छात्र संघ का नेता होना अपने आप में ये बात, और फिर वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से जहाँ से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो उत्पन्न होती है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि जब आप छात्र संघ के नेता थे तो किस तरह से आपकी राजनीतिक चर्या रहती थी। छात्र राजनीति में मैंने जब शुरुआत किया तो मैं किसी जात पात से राजनीति नहीं किया। हमारे साथ हर समूह वर्ग के लोग हमारे साथ डटे रहते थे, और छात्र राजनीति से जब मैं निकला तो मेरी धुरी समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ रहा, उनके चुनाव में भी रहा, और उनके चुनाव के साथ साथ यूथ विंग का कार्य भी मुझे मिला, जिससे मैं समाज को जोड़ने का एक काम किया। जो हमारे नौजवान साथी रहे, जो छात्र राजनीति में हमारे साथ रहे, वो कहीं भी रहे, किसी भी दशा में रहे, हम उनके साथ हमेशा कंधों से कंधा मिलाकर चलने का भी काम किया, और उनके दुख सुख में हमेशा मैं खड़ा रहा। मेरे ऊपर कोई दुख सुख पड़ा तो वो भी नौजवान सारे हमारे साथ भी रहे। तो समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा कारवां है। आज आप देख रहे हैं प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अखिलेश जी एक ब्रांड है, और अखिलेश यादव के नाम पर हजारों नौजवानों, करोड़ों नौजवानों अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी हर दुख सुख में शरीक रहती है, सबके साथ रहती है, सबको लेके चलती है। इंटू जी, अभी सुनने में आ रहा है कि आप तरबगंज 299 विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कितने प्रत्याशी हैं समाजवादी से, और अपोजिशन में कौन स्ट्रांग है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं 12 में भी तैयारी किया था समाजवादी पार्टी से तरबगंज विधानसभा, और मैं अपने क्षेत्र में हरदम, क्षेत्र ही नहीं एक मंडल में किसी के यहाँ कोई काम पड़ा या कोई कार्य पड़ा या कोई पार्टी का वर्क पड़ा तो पूरे मंडल में मैं जाने का काम करता हूँ। रही बात क्षेत्र की, तो जो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे पार्टी के साथी हैं, यदि उनके यहाँ कोई कार्य योजना होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो मैं बढ़ चढ़ के उनके घर पे हिस्सा लेता हूँ। आपने ये पूछा कि कौन लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी से कोई लड़ वड़ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी पूरे मंडल में हर सीट पर जीतने के लिए तैयारी बना ली है, और समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि मुझे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाएंगे, ये भी मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं काम किया हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे चुनाव लड़ाएंगे। जो भी टिकट मांग रहा है, कई लोग हैं टिकट मांग रहे हैं, नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से अब किसी की लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरे मंडल में सातों सीट जीत कर जाएगी, तरबगंज जीतेगी, गोंडा जीतेगी, जो तरबगंज क्षेत्र के सारे सीटें हैं, सातों सीटें, वो सातों समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। जी अभी अखिलेश जी का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने जिन्ना की तुलना गांधी जी से कर दी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? पूरी मीडिया जिस तरह से लगी हुई है,
हालांकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एक ही संस्था से निकले हुए हैं वो सारे लोग और भारत की आज़ादी में उनका योगदान है, जिसको एक मुद्दा ये बना दिया गया है कि उनकी तुलना की गई है, इस बारे में क्या कहना है आपका? इतिहास पढ़ो और इतिहास में ये है कि जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़े थे वहीं से जिन्ना जी पढ़ के निकले। तब देश की कोई आजादी नहीं थी, यदि देश के आजादी में अशफाक उल्लाह खां का भी योगदान है, चंद्रशेखर आजाद का योगदान है, तो देश के आजादी में यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान है तो जिन्ना का भी कहीं ना कहीं से योगदान है। हम मानते हैं कि आज जिस तरीके से पूरी मीडिया का ध्रुवीकरण हो रहा है, मीडिया पूरी तरीके से मोदी योगी चला रही है, ये बताइए यदि हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, यदि मैं छासन का चुनाव लड़ा, मेरे साथ मुस्लिम वर्ग के लोग बहुत लोग डटे थे, तो क्या मैं उनका साथ छोड़ दूंगा? वो आतंकवादी हो गए हैं। जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब जिन्ना एक सहयोग आंदोलन में आपके इस देश के लिए लड़ने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में खड़े रहते थे। हम उस समय की बात अखिलेश जी ने किया है, और अखिलेश जी ने और नहीं कहा है, अखिलेश जी ने यही कहा है, जहां से महात्मा गांधी पढ़ के निकले थे, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ के निकले थे, जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ के निकले थे, वहीं से जिन्ना भी पढ़ के निकले थे, यही स्टेटमेंट है। ये तो बढ़ा चढ़ा के भाजपा के लोग बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई काम तो है नहीं, केवल लोग बढ़ाना और चढ़ाना जानते हैं। तो इस स्टेटमेंट से जिस तरह से आज इसका ध्रुवीकरण किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इससे कुछ आपकी पार्टी पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं, उनके पास कुछ है, खाली एक के विकल्प है, भाजपा के पास कोई विकल्प है, एक विकल्प है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। वो पोलराइज करके राजनीति में आना चाहते हैं, वो जानते हैं कि मेरी धुरी खिसक गई है, पूरी तरीके से भाजपा खत्म हो रही है, अब उनका झूठ बोलो आंदोलन खत्म हो रहा है, इसलिए अब उनके पास कोई चीज बचा नहीं है। जो चीज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बोले हैं वो एकदम सत्य है, उस पर कोई निराधार नहीं है, जो कहा है वो सही कहा है। अभी जैसे कांग्रेस को जो आज लीड कर रही है प्रियंका गांधी, उन्होंने जो अभी एक अलग थियरी अपनी चलाई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को एकजुट करके जो उन्होंने जिस तरह से अपनी कैंपेनिंग शुरू की है, आपको क्या लगता है कि इससे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमा पाएगी? देखिए, जमीन पूरी उनकी खिसकी है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं फिलहाल, प्रियंका जी पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अब ये मान के चलिए कि हम 350 से ज़्यादा सीट पा रहे हैं और सरकार हमारी बन रही है, तो किसी के बारे में कमेंट करना मेरा उचित नहीं है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे, प्रियंका जी से फैसला लेंगे या जयंत चौधरी जी से फैसला लेंगे, जो भी लेंगे जिसको भी लेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मतलब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझेंगे, लेकिन उनके बारे में उनकी जमीन पूरी खिसक गई है, कुछ भी कर ले अब वो रोड रोड दौड़ रही हैं, गांव गांव दौड़ रही हैं, तो कांग्रेस का कोई जनाधार, कांग्रेस और बसपा का कोई जनाधार अब नहीं रह गया, इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं। अभी आपने एक बयान स्टेटमेंट सुना होगा बहन जी का, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को जिताने के लिए, सपा को हराने के लिए भाजपा को वोट, मेरे कार्यकर्ता वोट देंगे, तो इन सब चीज़ों से एक बौखलाहट, और किसी के बारे में क्या कमेंट किया जाए इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। हमारी सरकार बन रही है, हम लोग प्रदेश में विकास के नाम पर सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जब रहे तो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिला, बहनों को कन्या विद्याधन मिला, लैपटॉप मिला, सारे चीज़ मिले हैं, गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। सड़कें बनी, आगरा एक्सप्रेस हमने 23 महीना में बना के दे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस 5 साल में नहीं बना, तो इन सब चीज़ों को आप खुद देखेंगे, आप पत्रकार लोग देखिए इस चीज़ को कि विकास किसने किया है। आप लखनऊ जी, एक सवाल और है कि मुस्लिम समुदाय हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है, कोई इसको नेगेटिविटी में लेके अपना वोट बैंक बनाया है, कोई पॉजिटिविटी में लेके वोट बैंक बनाया है, इस वक्त भी सबकी नज़र मुस्लिम वोटर्स पे है, सपा भी चाहती है कि मुस्लिम के लोग हमारे साथ एसोसिएट हों, भाजपा मुस्लिम विरोधी होके अपना जमाना चाहती है सिक्का, ऐसे में ओवैसी का आना और मुस्लिम लोगों को एक तरफ करना, इससे क्या लगता है आपको कि मुस्लिम समुदाय के लोग सपा के साथ जुड़ेंगे या ओवैसी की तरफ जाएंगे, आपके यहाँ क्या सिनारियो बनता है? अभी मैं आपको एक बता दूं, अभी हमारे एक भाई मेरठ के थे, बयान मैं सुन रहा था उनका, आज के 4-5 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक मेरठ में कार्यक्रम था, ओवैसी जी कहे कि कोई मुस्लिम अखिलेश जी के साथ बैठता ही नहीं है। मैं करीब 200 नाम गिना दूंगा जो अखिलेश जी के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं,
और उनके ध्वज वाहक हैं। नौजवान को लेंगे तो नौजवान का नाम गिनाएंगे, बड़े लोगों का लेंगे तो बड़े लोगों का नाम गिनाएंगे। हम किसी चीज़ का ध्रुवीकरण जातीय नहीं करते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से मोह है और समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वर्ग जुटा है। ओवैसी जी यहां से जाके जो अनर्गल प्लाव कर रहे हैं वो गलत है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। आज समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम, पिछड़ा, जितने भी तबके लोग हैं वो सब जुड़े हैं, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मुस्लिम हमारे साथ पूरी तरीके से अखिलेश जी के चेहरे पे आ रहा है, और अखिलेश जी हर समुदाय के लिए, हर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खड़े हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि अखिलेश जी के बहुत करीबी भी हैं आप, तो ये मान लिया जाए कि तरफगंज से श्योरिटी के साथ टिकट आपको मिल ही जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, जो समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं उनको इस बार हम चुनाव लड़ाएंगे। हो सकता है करीबी के साथ साथ पार्टी का जो फैसला होगा उस पर मुझे मंजूर है। पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, और पार्टी किसी और के लिए लड़ाएगी तो मैं समाजवादी पार्टी का प्रचार करूंगा। मैं पार्टी का वर्कर हूं, अखिलेश जी का साथी हूं, अखिलेश जी के साथ हूं, ये मेरा फैसला है। यदि अखिलेश जी मुझ पर विश्वास जताकर मुझे चुनाव लड़ाते हैं तो मैं समाजवादी पार्टी को धन्यवाद दूंगा, अन्यथा समाजवादी पार्टी जिसको भी लड़ाएगी उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार जी। ये थे हमारे साथ विजय कुमार और टिंटू सिंह, जिन्होंने अपनी बातें रखी। अब देखना ये है कि आगे इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, इनको टिकट मिलता है, अगर मिलता है तो क्या होगी इनकी स्ट्रेटजी प्लानिंग, और कैसे ये विन करेंगे अपना इलेक्शन। आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज़।